ट्रू कॉलर सेफ नहीं है, ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं क्योंकि ट्रू कॉलर यूजर की कॉन्टेक्ट लिस्ट और उसके मैसेजेस को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेता है, जिससे कोई भी पर्सन सिर्फ नाम डालकर किसी का भी नंबर फाइंड कर सकता है। लेकिन अब आपको ट्रू कॉलर यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल ने अपना कॉलर आईडी एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, जिसमें ना तो आपको कोई पैसा देना है और ना ही आपको एड्स देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ये गूगल का अपना एप्लीकेशन है, इसलिए बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गूगल फोन कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन बाय गूगल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको इंस्टॉल बटन नहीं मिलता है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है ज्वाइन द बीटा, आप यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। ज्वाइन बीटा प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर चुके हैं, इसमें कुछ मिनट्स का टाइम लगेगा, आपको वेट करना होगा। इसके बाद जब आप यहां दोबारा आएंगे तो आपको इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा। देखिए कुछ ही सेकंड्स में यहां पर इंस्टॉल का बटन आ गया है, आप इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे। ओपन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहां सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करके इसको डिफॉल्ट सेव कर लेंगे। यहां पर चूज करेंगे फोन और सेट एज डिफॉल्ट, पहले से आप जो भी डायलर यूज करते हैं आप उसको हटा सकते हैं और आपने जो इंस्टॉल किया है उसको आप यहां पर रख सकते हैं इस तरीके से। अब आप गूगल फोन डायलर को बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। इसमें आपको फेवरेट रिसेंट कॉन्टेक्ट्स के ऑप्शन दिए गए हैं और साथ ही यहां डायलर पर क्लिक करके आपको डायलर भी मिल जाएगा। ऊपर यहां थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग्स मिल जाएगी, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करके आप थीम चूज कर सकते हैं, आपको लाइट यूज करना है या डार्क यूज करना है। नीचे ब्लॉक नंबर पर क्लिक करके आपने जितने भी नंबर्स को ब्लॉक किया है वो आप देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर अननोन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो जितने भी अननोन नंबर्स हैं, मतलब जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। ये ऑप्शन आप अपने घर के मोबाइल फोन पर यूज कर सकते हैं, जिससे कोई भी नए नंबर से आपके उस मोबाइल फोन पर कॉल या मैसेज नहीं कर पाएगा। कॉलर आईडी और स्पैम का भी आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो उसका बिजनेस नेम लिखा हुआ आएगा, और अगर वो स्पैम है तो स्पैम लिखा हुआ आएगा। फिल्टर स्पैम कॉल्स पर क्लिक करके आप स्पैम कॉल्स को फिल्टर भी कर सकते हैं। अभी इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आप इसको एज ए डिफॉल्ट डायलर यूज कर सकते हैं। जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो कॉलर आईडी शो होगी, और अगर कोई स्पैम कॉल है तो इस पर स्पैम लिखा हुआ आएगा। लेकिन ये ट्रू कॉलर के मुकाबले काफी सेफ है क्योंकि ये गूगल का अपना एप्लीकेशन है, इसमें आपको एड्स भी नहीं देखने को मिलेंगे, और ये ट्रू कॉलर के मुकाबले सेफ एंड सिक्योर है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।